नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है रिपोर्ट के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी SSC PET को लेकर, दोनों की अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी छात्रों की तरफ से शिक्षक भर्तियों को लेकर मांग की जाती है, तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई नया बयान जारी कर दिया जाता है। अगर आपको याद होगा, कल देर रात को मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें अगर बात की जाए सपा सरकार के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी शिक्षकों के पद खाली हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उन सभी खाली पदों पर नई शिक्षकों की जो भर्तियां वो की जाएंगी, जिसको लेकर BTC शिक्षा मित्रों के नाम भी लिए गए। लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, मैंने कहा भी था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगर रोजगार के मुद्दे को उठाया जाएगा, छात्रों की समस्याओं को उठाया जाएगा, भले ही वो अपने चुनाव के आने के बाद करेंगे, लेकिन जो वर्तमान सरकार होगी उसका भी ध्यान कहीं ना कहीं उन मुद्दों की तरफ आकर्षित होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि जब भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जाती है, तो सरकार की तरफ से एक छोटा मोटा बयान जारी कर दिया जाता है या फिर ट्वीट देखने के लिए मिलते हैं। अब कल से ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जब से अखिलेश यादव का बयान देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। तो कई अगर बात की जाए ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि CM योगी के पास में खाली पदों की जो रिपोर्ट है पहुंच चुकी है, जल्द इसको लेकर ऐलान भी किया जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पे या फिर लिखित तरीके से, अभी तक ऐसी कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर रिपोर्ट जारी हो गई है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बार बार बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि CM योगी के पास में लाखों खाली पदों की जो रिपोर्टें पहुँच चुकी हैं। अब वो कितनी सही है कितनी नहीं, ये तो 1 से 2 दिनों के बाद ही क्लियर होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारों की तरफ से IT सेल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर डाल दी जाती हैं, जिससे कि अभ्यर्थी उनको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और मामला कुछ ऐसे ही चलता रहता है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि CM योगी की तरफ से कहीं ना कहीं जो रिक्त पदों का डाटा उनके पास मिल चुका है, कमिटी की रिपोर्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, इसको लेकर अगर बात की जाए अभी तक किसी अधिकारी से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारियाँ चल रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सच में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट मिली है या फिर कल आए अखिलेश यादव के बयान के चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पर जानकारियां दी जा रही हैं वो इस प्रकार की जानकारी रणनीति के तहत फैलाई जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज की अगर माने तो उसमें दावे किए जा रहे हैं कि CM योगी के पास में रिक्त पदों का डाटा आ चुका है, कमिटी के माध्यम से अपनी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, अब इसके बारे में जल्द CM योगी की तरफ से ऐलान किया जाएगा और जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी, लेकिन जब तक ऑथेंटिक नहीं होगी तब तक आप सभी के सामने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और कल जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आया था, कमेंट आया था, उसके चलते ऐसा तो नहीं किया जा रहा है। अगर सच में रिपोर्ट आ गई है तो ये छात्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये तो आप सभी भी जानते हैं कि जैसे ही CM योगी के पास में खाली पदों का डाटा जाएगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर ऐसे में भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPSSC PET की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC की PET की परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हो चुका है, अब ऐसे में कट ऑफ को लेकर घमासान है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है 5 साल में पहली बार जारी किया जाएगा, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे, लाखों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस परीक्षा में बैठे बिना ही लेखपाल भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ आयोग की तरफ से लेखपाल भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं,
आज भी मैंने आप सभी को एक नोटिफिकेशन दिखाया था जिसके अंदर लेखपाल भर्ती के बारे में रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए हैं। जैसे ही यहाँ पे अध्याचन मिलते हैं यूपी डब्ल्यूएससी आयोग को भेज दिए जाएंगे, फिर यहाँ से आयोग के माध्यम से लेखपाल भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जैसा कि विज्ञापन जारी करना, आपके आवेदन लेना, आवेदन के बाद में आपकी परीक्षा को कराना। लेकिन इन सभी से पहले सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कट ऑफ से संबंधित है। पीईटी को लेकर कोई फिक्स कट ऑफ यहाँ घोषित नहीं की गई है। अब कहीं ना कहीं आयोग के 15 गुना वाले फॉर्मूले को लेकर हजारों अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं। ज़्यादातर छात्रों की ऐसी मांग है कि पीईटी की अगर बात की जाए, लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पीईटी के बाद में नई लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए और जो यहाँ से क्वालिफाई करते हैं मेरिट के आधार पर उनका चयन कर लिया जाए, क्योंकि पीईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद उनको बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 18 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, परसेंटाइल उनका 70-75 तक जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लेखपाल भर्ती में बैठेंगे कि नहीं, इसको लेकर छात्रों के मन में लगातार बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों की तरफ से आयोग के सामने अपनी मांग भी रखने का प्रयास किया जा रहा है कि टोटल अध्याचनों का अगर बात की जाए तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए। जैसे कि अगर 20,000 पदों में वैकेंसी आने वाली है, टोटल 2 वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं, तो उसके लगभग 15 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करते हुए मेंस परीक्षा के अंदर बिठा लिया जाए, जिससे कि लाखों छात्रों को लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और जो अच्छा स्कोर करेगा उसको बाहर कर दिया, मतलब कि चयन कर लिया जाएगा, और जो नहीं हो पाएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन की तैयारी यूपी डब्ल्यूएससी आयोग की तरफ से कर दी गई है, लेकिन लाखों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिना लेखपाल परीक्षा से बैठे हुए बाहर निकल जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह 15 गुना को लेकर है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्रों की तरफ से मांग ये भी की जा रही है कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ घोषित कर दी जाए, जिससे कि छात्रों को यहाँ पर सीधे तौर पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। अलग अलग भर्तियों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता भी है, लेकिन आयोग का क्या फैसला होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसको लेकर। तो पीईटी 2021 की कट ऑफ को लेकर लगातार घमासान जारी है, कहीं दूसरी तरफ परसेंटाइल को लेकर छात्र परेशान है तो कभी कट ऑफ को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि वो जल्द आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी 2 से 3 नई नई मांगें रखेंगे, जिसके अंदर उनकी पहली मांग ये होगी कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ लगा दिया जाए, जिससे कि ज़्यादातर अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे, उसके बाद में जो अभ्यर्थी बचते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर लेखपाल भर्ती में आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। दूसरी मांग ये देखने के लिए मिलेगी कि टोटल खाली पदों की भर्ती जो करवाई जाएगी, टोटल अध्याचनों की भर्ती के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए अगर फिक्स कट ऑफ नहीं लगाना चाहते हैं। इससे लगभग 3 से 3.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि पीईटी परीक्षा के बाद लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस मांग को लेकर भी यूपी डब्ल्यूएससी चेयरमैन के साथ में छात्रों की ओर से मुलाकात की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मांग देखने के लिए मिलेगी कि 15 गुना वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं छात्रों के मन में बहुत सारी समस्याएं हैं। काफ़ी लंबे समय से भर्तियों का इंतजार तो था, लेकिन पीईटी लागू हो जाने की वजह से अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि लेखपाल भर्ती आने वाली है और पीईटी करना अनिवार्य होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से अलग अलग मांगें रखी जा रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। कितने गुना अभ्यर्थी को क्वालिफाई कराना चाहिए पीईटी 2021 के बाद लेखपाल भर्ती के लिए, कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो मैंने कई वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है कि वैसे अगर देखें तो 65 से लेकर 70 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी हद तक सेफ हैं लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं होगी। बाकी जिससे कम अभ्यर्थी होंगे उनके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव होकर आगामी भर्तियों की तैयारी अवश्य करते रहें। लेकिन अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के अंदर, 15 गुना से लाखों छात्र इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।